काफी लोगों का सवाल था आचार्य मूवी बन गई है तो इसकी रिलीज को रोका क्यों जा रहा है, सारा काम रेडी है और बता रहे हैं कि मूवी जाके फेब में रिलीज होगी वो भी अगले साल। तो देखिए हालात थोड़े बदल गए हैं। जब ये बिगिनिंग में मूवी बनाई जा रही थी तब ये तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम इंडस्ट्री के लिए बनाई जा रही थी, पैन इंडिया रिलीज के बारे में ये लोग नहीं सोच रहे थे। बट अब आप देखेंगे जो टीजर आए हुए हैं वहां पर लिख रखा है वर्ल्ड वाइड रिलीज, यानी कि आचार्य भी होने वाली है पैन इंडिया रिलीज। देखिए मैं आपको बता दूं, बॉलीवुड इस वक्त काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है इस लेवल पर आने के लिए। और देखिए कमाल की बात यह है, 13 अप्रैल को आ रही है आपकी बीस्ट यानी कि रो विजय थलपति, 14 अप्रैल को आ रही है रॉक स्टार यश की KGF और 14 अप्रैल को ही जर्सी आ रही है। अब देखिए इंडस्ट्री में दबदबा कैसे बना रखा है, दो साउथ साइड की फिल्में जो कि पैन इंडिया रिलीज होने वाली हैं और दोनों ने ही आतंक मचा रखा है, तीसरी जो बॉलीवुड रिलीज हो रही है वो भी साउथ की मूवी का ही रीमेक है और उसके बाद पब्लिक बोलती है कि भाई साउथ को तुमने बहुत ज़्यादा ओवर हाइप कर रखा है, ऐसा नहीं है जैसा तुम बोलते हो। भाई अब आप खुद ही देख लीजिए जिस तरीके से मूवीज आ रही हैं और जिस तरीके का फैंस में पागलपन है, उससे तो यही साबित होता है कि हाँ कहीं ना कहीं जो ये पैन इंडिया इंडस्ट्री है जिसे हम कह सकते हैं अब मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री, उन्होंने बॉलीवुड वालों को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया है। और जो लोग ना कमेंट्स में गालियां लिख रहे हैं कि भाई ये साउथ वाले तेरे कौन से सगे हैं, नॉर्थ कहो के तू ऐसी खबरें डाल रहा है, तो भाई मैं आपको बता दूं दिस इज कंप्लीट होलसम इंडिया और हम रिलीजन के कॉलम में भी इंडियन लिखते हैं, तो जितने भी साउथ के स्टार हैं ये भी हमारा हिस्सा है, बॉलीवुड वाले हमारा हिस्सा है। भाई जो अच्छा काम करेगा हम तो भाई उसकी सीधी बात है तारीफ करेंगे, उसकी ज़्यादा अपडेट्स देंगे, भाई पब्लिक जिसके बारे में सुनना चाहेगी उसकी बातें बताएंगे। और रही बात कॉपी करने की, तो हाँ भाई बहुत सारी फिल्में कॉपी की हैं, कुछ साउथ वालों ने भी एक दो कॉपी उठाई हैं, उनके बारे में बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि बस बॉलीवुड वालों के पीछे लगा रहता हूँ। बाकी आप ही कमेंट करके बताइए कि यार कौन सी इंडस्ट्री ज़्यादा कॉपी कर रही है, कौन सी इंडस्ट्री इस वक्त एंटरटेनमेंट के मामले में अपना ज़्यादा रोल दे रही है, ये जो अभी पैन इंडिया रिलीज आ रही हैं ये वाली फिल्में या फिर आप जो बॉलीवुड देख रहे हैं ये फिल्में। मज़ा देखने में किसको आता है, एंटरटेनमेंट, पैसा वसूल, परफॉर्मेंस कहाँ से आती है वो आपका काम है, कॉमेंट करके बता दीजिए। और जो लोग गाली रख रहे हैं उनको भी थोड़ा सजेशन दे दीजिए, हम किसी के खिलाफ नहीं है दोस्त, बाकी आपकी मर्जी, दे सकते हैं गाली, हमारे देश में राइट टू स्पीक है, तभी हम बोल पा रहे हैं और तभी आप बोल पा रहे हैं। बाकी वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब अगर आप चैनल पर नए हैं तो, बॉलीवुड की तमाम खबरों के साथ और साथ में साउथ की मसालेदार सारी न्यूज़ और अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलता हूँ कल नई अपडेट्स नई वीडियोज़ के साथ, तब तक आप सभी को अलविदा।